एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है पिछले एपिसोड में कैसे केलर ने हॉकिंस को हरा दिया था। अब फाइनली केट को थोड़ा रिलीफ फील होता है और वो पूरी तरह से फाइट कर सकता है। साथ ही साथ दिखाया जाता है कैसे क्वीन और सांजी के बीच में जो फाइट हो रही होती है, क्वीन अटैक करता है सांजी के ऊपर लेकिन उसकी तलवार जो होती है टूट जाती है क्योंकि उसके अंदर कुछ म्यूटेशन चल रहे होते हैं। इस म्यूटेशन का कारण तो किसी को भी समझ में नहीं आ रहा होता है लेकिन सारे लोग शॉक जरूर होते हैं। लेकिन क्वीन का कंक्लूजन ये रहता है जो जर्मा है उसी की वजह से सारी चीजें हो रही है। ये कोई हॉकी नहीं है, ये कोई पावर नहीं है, लेकिन ये जर्मा की साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है। क्योंकि क्वीन को याद आता है जज ने एक बार उससे कहा था कि ह्यूमंस को एक ऐसा एक्सोस्केलेटन दो जो कि बहुत मजबूत हो और इजीली ब्रेकेबल नहीं हो और उस इंसान का हार्ट जो है वो आइस की तरह हो जाए और वो कुछ भी फील ना करे। और एग्जैक्टली उसे यही चीजें याद आ रही होती कैसे उसके भाई जो है वो ट्रीट करते थे मेट्स को, उनका खाना उठा के फेंक देते थे और इस तरह की तरह तरह की चीजें क्योंकि उनके अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं होती थी और सांजी इस तरह का नहीं बनना चाहता है। फिर उसको ये भी चीज याद आती कि जर्मा ने कैसे रोबोट जैसे लोग बनाए थे, 5 साल के अंदर 20 साल के सोल्जर्स बना लिए थे ताकि वो कभी भी लड़ सकते हैं। और सांजी सोचता है कि मैं उन क्लोड ब्लडेड मॉन्स्टर की तरह नहीं बनना चाहता हूँ। और उधर से क्वीन उसके ऊपर अटैक पे अटैक कर रहा होता है, सांजी भाग रहा होता है बिना किसी अटैक करे क्योंकि उसको एग्जैक्टली समझ में ही नहीं आ रहा होता उसके साथ चीजें हो क्या रही है। फिर वो चीजें सोचने लगता है कि जब वो सांगुरो बना था और अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया था जर्मा में, नामी को बचाने के लिए, मोनोस्को को बचाने के लिए, वो वाली सारी इवेंट्स याद आते हैं और उसे लगता है क्या उस वजह से ऐसा हो रहा है, क्या मैं सच में हार्टलेस बन जाऊंगा। उधर से जो ओचले पोचले होते हैं वो तैयार होते हैं गन लेके कि क्वीन ने इसको कॉर्नर कर दिया तो हम इसको गोली मारते हैं और ये यहीं मर जाएगा। गोली मारते भी हैं, गोली लगती भी है लेकिन सांजी को उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। उधर से क्वीन इसके पीछे पड़ा ही होता है, अटैक पे अटैक करता है लेकिन फिर भी कोई दाल नहीं गलती है। फिर केव चैम्बर दिखाया जाता है जहां ड्रेक होता है वो ओचले पोचले से लड़ रहा होता है और वहाँ एपो बैठा होता है और वो कहता है कि तू तो नेवी का स्पाई है और तू करना क्या चाहता है, तू काइडो को हराना चाहता है कि नहीं। हम किसी भी साइड में नहीं है, ना ही रेबल के साइड में, ना ही नेवी के साइड में, ना ही काइडो के साइड में, तो हम किसी को भी क्रश कर सकते हैं और हमारे पास पावर है। हमारे पास ये 3 जायंट मॉन्स्टर हैं जिसमें पहले का नाम होता है जंकी, दूसरे का नाम होता है फूगा और तीसरे का नाम होता है इनबी। और अगर ट्रिक एपो के साथ मिल जाता है तो सबको हरा सकते हैं और यहाँ से जीत जा सकते हैं। ड्रेक कहता है कि भाई तू एक कावर्ड है और तू ट्रस्टवर्दी नहीं है। एपो कहता है कि मैं तुझे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये तेरे लिए फायदेमंद हो सकता है और ये तेरा लास्ट चांस है। उधर फिर नामी और उसे को दिखाया जाता है जो कि भाग रहे होते हैं और ये काइडो वाले जो लोग होते हैं जो कि उतामा के फ्रूट की वजह से इनके कंट्रोल में आ जाते हैं, वो कोस बड़े वाले कुत्ते को बचा के ले आते हैं। फिर जैसे ही ये नीचे पहुंचते हैं इनको दिखता है किनमोन के नीचे वाला पार्ट जो कि इधर से उधर भाग रहा होता है और ये चीज हमने पहले भी देखी थी जब लॉ ने किनमोन को कई टुकड़ों में बांट दिया था और सेम वही एग्जैक्ट चीज यहाँ पे भी देखने को मिलती है कि किनमोन की लोअर बॉडी जो होती है वो इधर उधर मूव कर रही होती है। फिर उस ऑपोजिट पकड़ता है और कोशिश करता है बोलने की लेकिन वो आवाज किनमोन के सर तक तो पहुंच नहीं सकती। अब नामी उसके पिछवाड़े पे एक साइन बनाती है जिसके बाद किनमोन पहचान जाता है कि ये हमारे साथ के ही लोग हैं और वो इन्हें बुलाता है क्योंकि वहां पे जो किकू होती है वो भी जिंदा रहती है और किनमोन भी जिंदा रहता है लेकिन दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, मरने की हालत में होते हैं दोनों। फिर उसके बाद उसॉप वो जिराफ के साथ जिसका नाम हेमलेट होता है उसको लेके चला जाता है और ये लोग चले जाते हैं उसको बचाने के लिए। थर्ड फ्लोर रॉबिन भाग रहे होते हैं आग के बीच में से लेकिन जो ओछले पोछले होते हैं वो आ जाते हैं जो कि फिर मिंग्स जो होते हैं वो उनकी मदद करते हैं और उन ओछले पोछलों को हरा देते हैं। लेकिन जस्ट इनके पीछे से आते हैं CP0 जो कि ले जाना चाहते हैं निको रॉबिन को अपने साथ। अब यहाँ पे क्या होने वाला है एग्जैक्टली कुछ पता नहीं। उसके बाद किनमोन को दिखाया जाता है और वो सोच रहा होता है कि वो किस तरह से सर्वाइव कर पाया इवन जो काइडो है उसने इतनी पूरी तरह से मारा था और इससे ऐसा लगता है जो कि मुझे भी पहले लगा जैसे कि लॉ ने जब इसे काटा था तो रीअटैच नहीं कर पाया था प्रॉपरली जिसकी वजह से किनमोन की बॉडी पूरी तरह से अटैच नहीं थी और वो बच गया और किकू भी जो है वो किसी भी तरह सरवाइव कर रही है। उधर से ओरोची की आवाज आने लगती है जो कि कांजुरो को बुलाता है और हरामी ओरोची अभी भी नहीं मर रहा है भाई और स्टिल कांजुरो भी जिंदा है इतनी चीजें होने के बावजूद और कांजुरो भी जिंदा हो जाता है और ओरोची को रिस्पॉन्ड करने लगता है और कहता है कि ये मेरा एंड ऑफ परफॉर्मेंस है। वो इसको मोटिवेट करने की कोशिश करता है और कहता है कि देख तेरे को सारे लोग चीयर कर रहे हैं और ये इमेजिन कर लेता है कि कैसे सारी दुनिया जो है वो कांजिरो को चीयर कर रही है। उसके बाद कांजिरो फिर खड़ा होता है और जो उसका कुज़ुकी क्लैन होता है उसका जो ग्रजेस होते हैं उसको मिला के ये अपने ब्लड से एक और नया मॉन्स्टर फॉर्म करता है और एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर बना देता है जो कि एक बड़ी सी फायरबॉल की तरह होता है और सब कुछ जलाता हुआ निकलता है। ये देख के ओरोची बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उसको बनाते के साथ ही कांजिरो जो होता है वो मर जाता है। अब मरता है कि नहीं मरता है पता नहीं है, 10 बार मैं देख चुका हूँ मर गया लेकिन उसका जिंदा रहता है हर वक्त।
उसके बाद वो CP0 वाली जो वो आंटी होती है वो अनाउंसमेंट कर देती है कि भाई एक मिस्टीरियस जाइंट स्पेक्टर सबके सेकंड फ्लोर की तरफ जा रहा है, जो कि दीवार को चीरता हुआ सीधे निकल रहा है एक भूत की तरह। उसके ऊपर लोग अटैक करते हैं गन से, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है और जो पूरा कैसल होता है वो फायर से भर जाता है। जो मार्को होता है वो भी फाइट कर रहा होता है और द क्वीन को दोबारा से दिखाया जाता है जो कि सांजी के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन सांजी फाइनली उसके ऊपर अटैक करता है। दूसरी तरफ किंग वर्सेस ज़ोरो की फाइट भी दिखाई जाती है। उधर रॉबिन और ब्रूक भी आग में फंसे रहते हैं और रॉबिन से वो कहता है कि जल्दी से जल्दी यहाँ निकलते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा आग फैल गई है। उधर ओरोची को भी दिखाया जाता है। काइडो वर्सेस लूफी चल रहा होता है, दोनों एक दूसरे पर अपनी हाकी की मदद से अटैक कर रहे होते हैं और वो फाइट देखने को मिलती है और लूफी के रेड हॉक के साथ ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। ओवरऑल ठीक ही एपिसोड था। स्टार्टिंग के 2-3 मिनट उसका ओपनिंग सॉन्ग आता है, फिर 2-3 मिनट ये रिकैप दिखाते हैं, तो 6 मिनट आखिरी का 1 मिनट ये आउट्रो सॉन्ग देते हैं, तो 7 मिनट 23 मिनट के एपिसोड में 7-8 मिनट तो ये लोग ऐसे ही बता देते हैं, तो टोटल 15 मिनट का एपिसोड ही आता है। तो यार डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन क्या कर सकते हैं, देखना तो है ही। तो बस यार इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सेवन आर पीस आउट।